हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिस्टीना। और अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड द चैनल। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो आज का ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, कैसे उनकी पर्सनालिटी होगी, लुक्स होगी, क्या करते होंगे, क्या जॉब करते होंगे, कैसे उनके साथ आपका लाइफ रहने वाली है, मैरिड लाइफ रहने वाली है। सो यहाँ पर सारे डिटेल्स की हम बात करेंगे। और ये है पाइल नंबर 1 द लवर्स, ये है पाइल नंबर 2 टू ऑफ वॉन्ड्स, और ये है पाइल नंबर 3 पेज ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास तीन पाइल्स हैं, तीनों पाइल्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिसके नीचे आपको लगता है आपका आंसर हो सकता है, आप उसे चूज कर लीजिए एंड देन वील स्टार्ट द रीडिंग। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट देना चाहूंगी, वो ये है कि हमारे निको इस चैनल के साथ यूट्यूब पे टैरो करते हुए पूरा एक साल कंप्लीट हो गया है। आज 22 मई को, मैंने 22 मई को पिछले साल टैरो रीडिंग करनी शुरू करी थी यूट्यूब चैनल के ऊपर। उससे पहले मैं यूट्यूब चैनल पे टैरो रीडिंग नहीं करती थी। तो पूरा एक साल हमने कंप्लीट कर लिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस। एंड उसी के चलते मैंने एक ऑफर रखा है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आज अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज और कल दो दिन का लिए ऑफर रहेगा और 300 में आप ये रीडिंग बुक करा सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आई होप जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी थी, जो मुझे बोलते रहते हैं कि अफोर्डेबल होगा तो करा लेंगे, तो आप करा सकते हैं। थैंक यू। सो पाइल नंबर 1 के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक किसी भी पाइल को नहीं चूज किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 द लवर्स का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर बात करें जोडियक साइन की, तो काफी सारे साइन यहाँ मुझे दिखाई देते हैं। फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर एयर साइन भी है, तो प्रेटी मच सारे ही साइंस आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। पर मुझे लगता है कि फायर साइन प्रोमिनेंट होना चाहिए आपकी रीडिंग में। अगर हम बात करें कि नेम इनिशियल्स उनके क्या हो सकते हैं, कि मतलब कौन से अक्षर से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पर जो नाम हो सकते हैं उनके, वो टी से हो सकते हैं, एच से हो सकते हैं, एल से हो सकते हैं, ए से हो सकते हैं, पी से हो सकते हैं, सी से हो सकते हैं, और यहाँ पर आर से हो सकता है नाम उनका, जे से नाम हो सकता है, और डी से नाम हो सकता है, और जी से नाम भी हो सकता है उनका। अगर मैंने ई नहीं बोला तो ई से भी उनका नाम हो सकता है। सो ये अक्षर से उनके नाम की स्टार्टिंग हो सकती है। और वैसे तो जो नेम इनिशियल्स होते हैं और जोडिक साइंस होते हैं, अगर वो आपसे नहीं मैच करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर बाकी की रीडिंग आपसे मैच करती है तो आप बाकी की रीडिंग को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो जरूरी नहीं है कि नेम इनिशियल्स या इस तरह के स्पेसिफिक बातें किसी से मैच हो या किसी से मैच ना हो, क्योंकि बहुत सारे नेम इनिशियल्स दिखाई देते हैं क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो स्पेसिफिकली हम नहीं यहाँ पे कह सकते, लेकिन बाकी जो रीडिंग होती है वो डेफिनेटली अगर आपसे रेजोनेट करती है तो वो आप ही की रीडिंग है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जॉब की, कि जॉब कैसी होगी, पैसे कितना कमाते होंगे, क्या करते होंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि उनकी शादी के बाद जॉब लगे, हो सकता है शादी के बाद उनके प्रमोशन हो जाए। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि शादी के बाद उनका प्रमोशन हो सकता है, और हो सकता है कि वो पहले प्राइवेट जॉब करते हो और शादी के बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो यहाँ पर अगर फाइनेंसेस की बात करें जाए तो शादी के बाद उनके फाइनेंसेस ग्रो होंगे, वो पहले से ज्यादा और कमाने लग जाएंगे, पहले से ज्यादा और बेहतर उनकी जॉब होगी। और ऐसा नहीं है कि पहले उनके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए, लेकिन शादी के बाद वो और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे फाइनेंशियल कैटेगरी में। यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में वो टीचिंग की जॉब करते हो, या तो पहले टीचिंग जॉब करते हो प्राइवेट में, बाद में वो जॉब करने लग जाए गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेजेस में, ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर ये चीज भी यहाँ पे दिखाई देती है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो भी जॉब करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप शायद आपके जो पार्टनर है वो इस तरह की स्पिरिचुअल जॉब करते होंगे। स्पिरिचुअल इन द सेंस, जैसे कुछ लोग पंडित का काम करते हैं, शास्त्री बोलते हैं, या फिर जैसे फेरे करवाना किसी का,
इस तरह की जॉब करना, हवन करवाना, पूजन करवाना, इस तरह के शायद वो कुछ करते हो, रिलीजियस जॉब्स भी करते हो सकता है, पार्ट टाइम कर सकते हो सकता है, वैसे करते हो। और कईयों के लिए मुझे लगता है कि आपके जो वो फ्यूचर पार्टनर है वो एनजीओज वगैरह में भी काम करते हो, या उनका खुद का एनजीओ हो, या फिर किसी एनजीओ से जुड़े हो, उनको इस तरह से धर्म कर्म का काम करना अच्छा लगता होगा, ये वो पार्ट टाइम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इससे इतनी कमाई तो नहीं होने वाली कि वो इसी से सब कुछ घर चलाए। लेकिन हाँ, अगर होती होगी तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे दिखता भी है कि शादी के बाद वो और ज्यादा ग्रो करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ आगे बात बताएं आपके पार्टनर के बारे में कि उनका पर्सनालिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा। तो पर्सनालिटी की बात करें तो वो एवरेज लुकिंग होंगे, आपके जैसे दिखते होंगे, मतलब बेसिकली आप दोनों की जोड़ी बहुत साथ में अच्छी जचेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कम है कोई ज्यादा है, तो साथ में जोड़ी अच्छी लगेगी। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप दोनों में से कोई कम ज्यादा है, आप दोनों साथ में खूबसूरत लगोगे, अच्छे लगोगे और बहुत प्यारे लगोगे साथ में। हाइट वगैरह उनकी सब एवरेज होगी, वेट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा, लुक्स उनके एवरेज ही होंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि वो खराब दिखते हैं, एवरेज लुकिंग होंगे, पर पर्सनालिटी अच्छी होगी उनकी। बात करें, एक चीज जरूर है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा होंगे, उन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी जब शुरू में ही वो आपसे मिलेंगे, वो देखते ही आपको पसंद कर लेंगे, काफी अट्रैक्शन होगी उनके मन में आपके लिए, वो आपको ज्यादा लाइक करेंगे, आपकी बातें सुनना, आपके लिए प्लान करना, आपके लिए सरप्राइज प्लान करना, गिफ्ट्स प्लान करना, आपकी फोटोज देखना, ये सब चीजें उनको बहुत ही अच्छी लगेंगी और उनको बहुत पसंद होगी इस तरह की चीजें आपके लिए करने के लिए। वो आपको गिफ्ट्स वगैरह देना बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे, आपके साथ वॉक करना, जैसे इवनिंग में वॉक करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आपकी शादी जैसे होती है, उससे पहले अगर आपका कोर्टशिप पीरियड है या फिर आप एक रिलेशनशिप में है शादी से पहले, तो वो आपके साथ घूमना फिरना बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, खासकर की नेचर वाली जगहों पे, नेचर वगैरह में घूमना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको गिफ्ट्स देना, आपके साथ कुछ खाने पीने के लिए जाना, कैफेज जाना, ये सब कुछ उनको बहुत ही पसंद होगा और उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सब कुछ करना आपके साथ, विच इज अमेजिंग। उसके अलावा ये बात देखी जाए कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में अगर और डिटेल्स की हम बात करें कि उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि उनके साथ आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफी हद तक काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर सब कुछ बहुत ही स्मूथली चलेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। चीजें शुरू में अपने पेस से ही ठीक होंगी, मतलब शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कत भी होंगी, शायद शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम्स हो अपने इन लॉज की वजह से, हो सकता है आपकी फैमिली की वजह से आपको प्रॉब्लम हो, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो फैमिली एक बहुत बड़ा इशू हो सकती है, और अरेंज मैरिज में भी यहाँ पे दिखता है कि फैमिली की वजह से इशू हो सकता है, पर वो इशू बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, 5-6 महीने साल भर मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि रिश्तेदारों की वजह से या फैमिली की वजह से कोई भी झगड़े हो या प्रॉब्लम्स हो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, चाहे वो पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वो चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएगी और वो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 साल मैक्सिमम, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली शादी के टाइम पे सबको यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि शादी होते ही चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत खूबसूरत हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार शादी होने के बाद असली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कई बार लोग झूठ बोल देते हैं, कई बार लोग ऐसे ही पागल बना के शादी कर देते हैं, बेसिकली आपको भी पता है धोखाधड़ी के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं आज के टाइम पे, पर वैसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, बस ये जो छोटी मोटी घरेलू प्रॉब्लम्स होती है ना, किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, किसी ने ताना मार दिया, किसी को मेरे खाने की सुहाननी, किसी को मेरे को पीने की सुहाननी है, वो उस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो इकट्ठी होंगी, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगी दैट आपको लगेगा कि नो, ये फैमिली में बहुत किचकिच होता रहता है, ये आपको बहुत खुश नहीं रख पा रहे हैं, बेसिकली आपके इन लॉज और रिश्तेदारों की जैसे आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो शायद इस असमंजस में है कि वो क्या करें, क्या वो अपनी फैमिली के साथ रहे और सब चीजों को बनाने की कोशिश करें, या वो आपके साथ होके अलग हो जाए। लेकिन अगर एंड की बात करें तो वो आपके पार्टनर आपको ही सपोर्ट करेंगे, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाले, वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, एंड में वो आपके ही फेवर में होंगे,
और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही स्वीट बात है। आपके पार्टनर में ये खास क्वालिटी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनके पेरेंट्स ही उनके सामने क्यों ना हो, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, वो आपको कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे लाइफ में। जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी, वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। उनकी जो सोच है ना कि भाई आप उनसे शादी करके आए, आप उनके लिए अपना घर छोड़ के आए हो, तो वो आपको खुशी देंगे, उस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। उनको ये लगेगा कि आप किसी दूसरी फैमिली से आए हो, तो आपको कंफर्टेबल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि आप अपने करियर में बहुत अच्छे से अच्छा करें, इंडिपेंडेंट बने रहें हमेशा, कभी भी अपनी जॉब वगैरह के साथ सेक्रीफाइस ना करें, अपने खाने पीने के साथ कोई सेक्रीफाइस ना करें, अपनी लाइफ में कोई भी मतलब आपको मेजर सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े। छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स के लिए तो वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी अगर कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं या सेक्रीफाइस करने हैं या इस तरह की बातें कोई कहते हैं फैमिली में आपको, तो वो आपको साफ मना कर देंगे कि आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है, तो आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और वो एक सपोर्टिव और केयरिंग पार्टनर बन के रहेंगे आपके साथ। ये चीज बहुत ज्यादा है। आप ना अपने पैशनेटली अपने रिश्ते को निभाना चाहोगे शादी के बाद। आप चाहोगे कि आपके और आपके पार्टनर का प्यार हमेशा बना रहे, सालों साल बरकरार रहे, और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस चीज़ की बहुत परवाह करेंगे कि वो आपको खुश रखे हमेशा, आप दोनों के बीच भी एक पैशन बना रहे, आप लोग रोमांटिक टाइम साथ में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, इवनिंग स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि आप दोनों के बीच में जो स्पार्क है वो हमेशा बनी रहे। तो इस तरह के आपका पति का या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर होगा, क्योंकि कुछ मेल व्यूवर्स भी हैं तो उनके लिए जो चीजें जचती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं हो सकती। लेकिन चलो जो भी है, यहाँ पर आप दोनों की जो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल केयर है, ये आप दोनों के रिश्ते को खूबसूरत बनाने में बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगी। एक चीज जरूर है, आप दोनों के रिलेशनशिप में होप बहुत ही बड़ा एक मेजर यू नो पॉइंट होगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को खूबसूरत बनने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे आपके अंदर भी एक होप है, आप हमेशा एक उम्मीद रखते हो, पॉजिटिव रहते हो, उसी तरह से आपके पार्टनर भी होंगे। चाहे आपके बीच में कितने भी झगड़े हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, वो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे कि आप उनके पार्टनर हो और आपको उनके साथ ही रहना है और उनको आपके साथ ही रहना है। चाहे दुनिया अलग हो जाए, चाहे कोई भी अलग हो, साथ में आप दोनों को तो रहना ही रहना है। तो इस तरह की थिंकिंग होगी आपके पार्टनर की, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लॉयल्टी, एक कमिटमेंट मिलना और एक ट्रस्ट होना एक दूसरे के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं और ये होना भी चाहिए पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने के लिए। यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन मंदिर में घंटी पकड़ के बैठे रहोगे, बट हाँ पूजा पाठ में, भगवान में आप दोनों बहुत बिलीव करते हो, और ये चीज़ भी आप दोनों को काफ़ी हद तक कनेक्ट करेगी एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से अगर बात करें तो आपके पार्टनर ओवरऑल बहुत अच्छे होंगे और आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ बहुत अच्छी जाने वाली है। और शुरू का पीरियड थोड़ा सा हो सकता है जो स्मूथ ना रहे, लेकिन एक साल को ख़त्म होते होते आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे और चीज़ें बहुत अच्छी और स्मूथली चलने लग जाएंगी। यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो ये कि मेरे को यूट्यूब पर एक साल पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है एक साल रीडिंग करते हुए टैरो रीडिंग। सो इसीलिए मैंने एक ऑफर रखा है जिसमें हम 300 में एक टैरो रीडिंग बुक करेंगे। तो आप अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप ज़रूर बुक करा सकते हैं। ईमेल आईडी डाल रखी है, इंस्टाग्राम हैंडल डाल रखा है, तो आप जल्दी से बुक कराएं। ऑफर सिर्फ 2 दिनों के लिए है, तो 2 दिनों में जितनी रीडिंग बुक करा सकते हैं आप करा लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज के जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ये है, आई एम सक्सेसफुल। तो ये आप ज़रूर लिखना, आई एम सक्सेसफुल एंड थैंक यू यूनिवर्स। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 2 ऑफ वांड्स का कार्ड चूज किया था, सो काफ़ी सारे कार्ड्स आए आपकी पाइल में। अगर बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू डू योर रीडिंग, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स आए जो बहुत ही मेजर है। सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर
आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, चलिए पहले बात करते हैं उनके जोडियक साइन की। तो फायर साइन और एयर साइन मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली फायर साइन बहुत ज्यादा है और उसके बाद अर्थ साइन बहुत ज्यादा है, वाटर साइन भी है यहाँ पर, बट मुझे ऐसा लगता है अर्थ साइन और फायर साइन बहुत ज्यादा है। ये आपके जोडियक साइन हो सकते हैं, उनके जोडियक साइन हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें नेम इनिशियल्स की, तो WTHPCFELJI से भी उनका नाम हो सकता है और U से भी उनका नाम हो सकता है, M से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है, O से भी हो सकता है किसी का नाम। सो ये उनके नेम इनिशियल्स हैं, इस नाम के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपके पार्टनर के बारे में, कि सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी, लुक्स किस तरह के होंगे और कैसे दिखते होंगे वो। तो अगर बात करें तो उनकी पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग होगी, वो काफ़ी हैंडसम होंगे, दिखने में काफ़ी क्यूट होंगे, अच्छी उनकी हाइट बिल्ट होगी। अगर हाइट उनकी छोटी भी होती है या वो काफ़ी लीन भी होते हैं तो भी उनका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि आपको बिल्कुल एकदम ऐसे अट्रैक्टिव लगेंगे बहुत ज़्यादा। उनका ब्यूटीफुल सा फेस होगा, देखने में काफ़ी क्यूट होंगे वो, एकदम बहुत ही यंग लगेंगे देखने में, चाहे उनकी ज़्यादा हो या कम हो डजंट इवन मैटर, बट देखने में काफ़ी यंग होंगे और काफ़ी क्यूट होंगे। सो यहाँ पे अगर आगे बात करें पर्सनैलिटी उनकी कैसी होगी, तो जैसे मैंने बोला ये वो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट होंगे, यंग होंगे, तो पर्सनैलिटी उनकी ऑब्वियसली बहुत चार्मिंग होने वाली है। उनको देखते ही सबको लगेगा कि ओके ही इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी हैंडसम, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी क्यूट। काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की अटेंशन वो अपने आप ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे। उनको उनके चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होगा। उनका फैशन सेंस मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल और एकदम पॉइज फैशन सेंस होगा उनका, उनको देख के ऐसा लगेगा कि ये मतलब बंदे में कोई बात तो है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी इनमें। यहाँ पर मैं आपको शादी से रिलेटेड अगर एक बात कहूँ तो वो ये है कि आपकी शादी के लिए साफ साफ ऐसे दिखाई देता है कि जो आपके जो कर्मों का फल है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा आपकी शादी में। और यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको आपकी शादी में मिलेगा। जो आपके पार्टनर हैं वो इतने अच्छे होंगे, इतने हसीन होंगे, इतने खूबसूरत होंगे, उनका दिल भी बहुत ही प्यारा होगा और वो आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करेंगे नो मैटर व्हाट, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी और शादी में भी प्रॉब्लम्स होंगी, ये भी दिख रहा है, लेकिन आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलके रहेगा आपकी शादी में। चाहे आपको लाइफ में कई बार ऐसा लगता हो कि आपने पता नहीं कौन से इतने बुरे कर्म करे थे जो आपको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी फीलिंग कभी कभी आ जाती है ना इंसान को, तो आपको शादी के बाद जरूर ये लगेगा कि हाँ भगवान ने आपके अच्छे कर्मों का आपको फल जरूर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। आपकी जो शादी है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो आप अपनी शादी में अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर देखो और कोई आपको खुश रखे ना रखे, आपके पार्टनर ज़रूर आपको खुश रखेंगे। यहाँ पे ये चीज़ भी लगती है आपके लिए कि आपकी हो सकता है लव मैरिज हो, तो फैमिली के बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़े, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े और बाद में आपकी फैमिली मान भी जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जब सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा आपकी कंपैटिबिलिटी वो सब आपके पार्टनर के थ्रू आपको मिलेगी। आपकी फैमिली भी आपको इतना प्यार नहीं करेगी और आपके इन लॉज वगैरह भी हो सकता है वो अभी आपको इतना प्यार ना करें, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आपके पार्टनर एकदम विश कम ट्रू वाले पार्टनर होंगे कि ऐसा पार्टनर ही आपको चाहिए था, ऐसा पार्टनर ही आपको खुश रख सकता था, ऐसा पार्टनर ही आपको वो लाइफ दे सकता था जैसी लाइफ आपको चाहिए। सो वो चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आपको ना इनसिक्योरिटी रहने वाली है, हो सकता है आपके लॉज वगैरह इतने अच्छे ना हो तो इसलिए आप इनसिक्योर रहें, आपको ऐसे डर लगे चीज़ों को लेकर कि पता नहीं सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी। आप मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको घूमने जाना है, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आपके इन लॉज वगैरह बहुत बॉदर करें आपको, आपको मना करते रहें कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठो या बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग फालतू में टाइम वेस्ट करते हो,
तो उस तरह की चीजें हो सकती है। आपके लॉज चिक चिक वाले टाइप के हो सकते हैं, ग्रीडी भी हो सकते हैं आपके लॉज, कि उनको पैसों की जैसे पैसे चाहिए हो, अपने घर से ये लियाओ वो लियाओ, तुम ये कमा के दो वो कमा के दो, वो उस तरह का नेचर भी हो सकता है उन लोगों का। एक चीज ऐसा लगता है कि आप जैसे ट्रैवल के या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के जब भी प्लान्स बनाएंगे तो उनके ऊपर पानी फेंक दिया जाएगा पूरा का पूरा, ऐसे बकेट लेके उड़ेल देंगे कि नहीं कोई जरूरत नहीं ये करने के लिए, या कोई ना कोई बहाने मार देंगे बार बार पे कि ऐसा मत करो या क्या जरूरत है जाने की, और शायद बाद बाद पे फिर कलेश और ज्यादा बढ़ते रहेंगे कि भाई कोई जरूरत नहीं है बाहर घूमने फिरने की, बतेरा है अपने काम धंधे में लगे रहो। और उस तरह के बातें हो सकता है कि आपको बहुत झेलनी पड़े। आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर ना बैलेंस करके चलने में लगे हुए हो अपनी फैमिली के साथ, मतलब जैसे शादी के बाद भी फैमिली तो है ही, ठीक है, लड़कियों के लिए जैसे एक फैमिली छूट भी जाती है तो एक नई फैमिली तो मिल ही रही है, और लड़के की तो है ही है फैमिली, तो जैसे आप फैमिलीज के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे साफ दिखता है कि कोई फैमिली के साथ बनने बनने वाली है नहीं, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो फैमिली के साथ तो आप लोगों की नहीं बनेगी, आप लोग अकेला रहना प्रेफर करोगे, न्यूक्लियर रहना प्रेफर करोगे, और हो सकता है आपके हस्बैंड फिर कहीं और जॉब करने लग जाए जिसकी वजह से आप अलग रहने ही लग जाओ, क्योंकि यहाँ पर यह दिख रहा है कि फैमिली की वजह से रिश्तेदारों की वजह से बहुत झगड़े होंगे, आपका मेंटल पीस छिनेगा, आपको बहुत इनसिक्योरिटी होगी, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि बार बार पे लड़ाई करवा देते हैं, बार बार पे कलेश हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए लिटर परसेंटेजेस के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि लड़ाई झगड़े या कलेश इतने बढ़ जाए फैमिली की वजह से, और आपके हस्बैंड है फिर वो कुछ बोले नहीं, और उस वजह से आप लोग तलाक तक के सोचने लग जाए कि भगवान इससे अच्छा तो अलग ही हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, साथ ही नहीं रहना, उस तरह की नौबत भी आ सकती है। लेकिन फिर भी समझदारी से अगर आप काम लोगे और आपके हस्बैंड काम लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने रिश्ते को बना सकते हो, क्योंकि आपकी फैमिली के साथ बेशक आपकी नहीं बन रही, आपकी एक दूसरे के साथ तो बनती है ही, एक दूसरे के साथ तो आप लोग खुश रह ही सकते हो, तो आप उस तरह की प्लानिंग हो सकता है कर लो बाद में, और ये चीज़ अच्छी भी है अगर इस तरह की प्लानिंग आप लोग कर लेते हो तो, अदरवाइज तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होने वाली है और बड़ी परेशानी होने वाली है। अगर आप बार बार पे कॉम्प्रोमाइज करोगे भी एडजस्ट करोगे भी तो कितना कर सकते हो, एक पॉइंट के बाद दिक्कत होती ही है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि यार बुरे काम पे बुरे टाइम पे फैमिली काम आएगी, फैमिली सपोर्ट देगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, फैमिली ही आपके बुरे टाइम की वजह बनी रहती है, और आपको सपोर्ट वगैरह के तो देना छोड़ो, आपको परेशान करना, आपके साथ और ज्यादा बुरा बिहेव करना, इस तरह से बिहेव करती रहती है फैमिली, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगर इस तरह से आपके साथ बिहेवियर होता है शादी के बाद तो मुझे लगता है आपको भी अपने लिए स्ट्रांग फैसले लेने चाहिए। यहाँ पे दिखता है आप अपने आप जितना भी ज्यादा स्ट्रांग रहोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। खामखा के लिए लड़ाई करने की तो कोई सलाह यहाँ पे नहीं दी जा रही आपको, लेकिन टैरो से ये दिखता है कि अगर आप स्ट्रांग रहते हो, अगर आप पेशेंस रखते हो, और जहां पर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है वहां पे आप अपनी वॉइस उठाते हो तो ये बिल्कुल सही होगा, आपको उठानी चाहिए, तभी आपको आपकी फैमिली में मतलब ठीक से रहने दिया जाएगा। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा आपको प्रेशर बनाया जाएगा हर चीज के ऊपर कि भाई कुछ भी करो, हमसे पूछ के करो, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग करो, और आपको बहुत ऐसे जेल जैसा फील होगा अपने ससुराल में, तो ये बिल्कुल। पर इस चीज में आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे नो डाउट, लेकिन बाकी लोग आपको सपोर्ट नहीं करने वाले, उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर में अगर एक भी ऐसा इंसान होना जो पीछे पड़ा रहे इंसान के, तो बहुत मुश्किल हो जाता है नए घर में जाके यू नो बसना। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अपनी वॉइस उठानी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वॉइस उठाओगे डरोगे नहीं तो आपके लिए बेहतर होगा, बल्कि चीजें बहुत जल्दी सुधर जाएंगे आपके लिए। बाकी तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। और अगर आप बात करें आपके हस्बैंड की जॉब की, तो मुझे ऐसा लगता है आपके हस्बैंड आप प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, इंजीनियरिंग हो करी हो सकती है, एमबीए करी हो सकती है, या फिर जो भी है प्राइवेट सेक्टर में मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखाई देते हैं, या फिर हो सकता है लॉ करी हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। लेकिन चलो जो भी है, आपके हस्बैंड ओवरऑल बहुत अच्छे रहेंगे, मैरिड लाइफ तो उन्हीं के साथ ही जीनी है आपको, बाकी सारे लोग तो चाहे देखो लाइफ में हो या ना हो थोड़े टाइम के बाद होती है, लेकिन पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी लॉन्ग लाइफ आपको जीनी होती है,
तो वो बहुत खूबसूरत बने रहे उनके साथ, यही ज्यादा मैटर करता है। एंड ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। उसके अलावा एक गुड न्यूज है, वो ये कि मुझे टैरो रीडिंग करते हुए यूट्यूब के ऊपर पूरा 1 साल हो गया है। सो थैंक यू सो मच अभी तक सपोर्ट करने के लिए और साथ में रहने के लिए। और एक चीज मैं बोलूंगी कि आज मैंने गिव अवे रखा है, मतलब इस चीज की खुशी के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, तो 300 रुपीज में हम एक रीडिंग करने वाले हैं। टैरो सेशन आप बुक कर सकते हो 300 में सिर्फ। और अगर आपको रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग, तो आप बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डाल रखी है और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करके बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक और चीज में जो भूल गई वो ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशन है वो आपकी आज की, वो आपको ये लिखना है, आई एम सक्सेसफुल, थैंक यू यूनिवर्स। सो थैंक यू। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं हम आज। डिटेल देंगे आपको कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरे को पूरा 1 साल पूरा हो चुका है यूट्यूब पे रीडिंग करते हुए, टैरो रीडिंग को करते हुए। सो इसी की खुशी में मैंने एक ऑफर रखा है, वो ये कि आप 300 रुपीज में अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं हमारे साथ। सो आपको सिर्फ ये करना है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप करा सकते हैं, ऑफर पूरे 2 दिन तक चलेगा। सो जल्दी से करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो आपको फैमिली के थ्रू मिलेंगे और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद होगी, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। मुझे ऐसा लगता है आपकी एक लैविश शादी होने वाली है, धूमधाम से शादी होगी, बड़े बूढ़े सब कोई, मतलब फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग सो मच अराउंड यू। एंड आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद आपको ये रिश्ता पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि एक लड़का देखा और फाइनल हो गया, एक लड़की देखी फाइनल हो गया। बहुत सारे रिश्ते देखेंगे, बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट करेंगे, बहुत सारे रिश्ते आपको रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद फाइनली आपको ये पर्सन मिलेंगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में इस कोई और भी पर्सन हो जो आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप हो, हल्के फुल्के कमिटमेंट ना मिले और आप उस रिश्ते को खत्म करके फिर अरेंज मैरिज करने के बारे में सोचे। बात करें कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कितना पसंद करते होंगे, तो मैं बता दूं आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। उनके लिए तो आप उनके क्वीन होंगे, उनकी बिल्कुल एकदम प्रिंसेस होंगे, वो आपको एकदम प्रिंसेस के जैसे ट्रीट भी करेंगे। बहुत ज्यादा आप उनको सुंदर लगोगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, उनको लगेगा कि वो आपको पाके धन्य हो चुके हैं, आपको उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल नहीं सकता था। तो इस तरह से उनके दिल में तो बहुत ज्यादा खुशी होगी आपको पाने के बाद, और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होंगे। इवन आपकी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश होगी, आपके इन लॉज भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर ऐसा दिखता है आप लोग मतलब सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छे से रह रहे हो, लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, स्मूथ है और बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे हो आप लोग, सब लोग एक दूसरे के साथ साथ, विच इज अमेजिंग। यहाँ पर बात करें तो देखो, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा बैलेंस अगर बन जाए तो लाइफ इजी हो जाती है और वो चीज़ आपके ऊपर बहुत सूट करती है, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर बहुत सूट करती है। आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलेंगे वो हर चीज़ को, आपकी फैमिली के बीच में, मतलब अपनी फैमिली के बीच में और आपके साथ, वो बहुत ही बैलेंस करके चलेंगे रिश्तों को, जिसकी वजह से आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ज़्यादा। छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में चलती रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हर घर में चलती रहती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला आप लोगों के साथ में। और चीज़ें स्टेबल करके कैसे चलना है ये आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से आता होगा और वो आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं होने देंगे आपके ससुराल में। टू बी ऑनेस्ट अगर बताएं तो आपको अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ और इवन आपके बच्चे होंगे कल को, तो एक हैप्पी फैमिली होने वाली है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखता कि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है अपने लॉज के साथ या किसी और के साथ, सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा और आप बहुत ही अच्छे से उस नए घर में जाके एडजस्ट हो जाओगे और खुशी खुशी रहने लग जाओगे, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी आप लोगों को और चीज़ें आसानी से मैनेज होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके लिए शादी के बाद। अगर बात करें कि आपके पार्टनर है वो क्या जॉब करते होंगे, तो ऐसा लगता है कि उनका बिजनेस हो सकता है खुद का, हो सकता है कि जैसे एक लाइन ऑफ डॉक्टर्स होती है ना, जैसे उनके फैमिली में सारे डॉक्टर्स हों या सारे सीए हो, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब कमाई वमाई का साधन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छे से सब कुछ यू नो मैनेज कर पाओगे लाइफ में, उसका कोई इशू नहीं है, विच इज़ गुड। ये चीज़ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपको आपके जॉब में, करियर में बहुत सपोर्ट करेंगे, वो आपको जो चाहोगे आप वो जॉब करने देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, इवन इन लॉज वगैरह को भी
इन लॉज वगैरह को भी मना लेंगे अगर उनको कोई इशू होगा तो। यहाँ पे ऐसा दिखता है देखो, जैसे आपके पार्टनर है ना वो आपकी ढाल के जैसे हैं, जैसे घर में मम्मी होती है ना, पापा का गुस्सा हो, भाई बहन की लड़ाई हो, कोई दादी डांट रही हो, मार्क्स गंदे आए हो, मम्मी हर चीज से हमको बचा लेती है, हमको बहुत अच्छे से ढाल बनी रहती है हमारी, कि कोई हमें कुछ कहे ना ज्यादा, जरूरत पड़ने में हमें प्यार से समझाती है, ध्यान रखती है, लेकिन वैसे वो ही हमारी ढाल होती है। मतलब हम नॉर्मली लोगों के लिए मम्मी होती है, किसी के लिए पापा हो सकते हैं, किसी के लिए भाई हो सकते हैं, किसी के लिए बड़ी बहन हो सकती है, तो कोई भी हो। यहाँ पर ये दिखता है कि आपके हस्बैंड वही रोल प्ले करने वाले हैं पूरे घर में, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे कहीं पर भी कोई भी आपको कुछ कहे, आपके पति आपकी ढाल बन के आपके साथ में खड़े होंगे हमेशा, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, वो आपकी खुशी के लिए बहुत ज्यादा पापड़ भी बेलेंगे और बहुत ज्यादा खुश भी रखेंगे आपको, चीजों को प्रॉब्लम में नहीं आने देंगे। ये चीज काफी अमेजिंग और बहुत अच्छी है कि आपके पार्टनर इस तरीके के हैं और वो आपको इतना समझते हैं और ये वो ये चीज़ भी समझते हैं कि आप एक इंसान हो और आपको खुश रहने का हक है, इसलिए वो आपके लिए इतने सारे मतलब चीज़ें करेंगे। दिस इज अमेजिंग। यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती है कि आपको पार्टी करना बहुत पसंद है, या फिर आपके हस्बैंड को पार्टी करना बहुत पसंद है, बहुत फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, वो तो खैर सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपके साथ जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना हो, पार्टी करनी हो, वो ट्रैवलिंग करनी हो, वो चीज़ बहुत पसंद है, तो वो चीज़ के लिए वो बहुत एफर्ट करेंगे, मतलब आपको बहुत खुश रखेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे इधर उधर, तो वो चीज़ बहुत ही हैपनिंग है, बहुत अच्छी भी है। अगर और बात करें आपके हस्बैंड के बारे में या आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि आपकी मैरिड लाइफ में और क्या क्या डिटेल्स होने वाली हैं, जैसे मैंने ओवरऑल बताया है कि वो आपको खुश रखेंगे, आपके ऊपर बिल्कुल लट्टू होंगे, आपको बहुत ध्यान रखेंगे, प्यार करेंगे, यहाँ पे वो आपको घुमाने फिराने लेके जाते हुए दिख रहे हैं, आपको किसी को कुछ कहने नहीं दे रहे हैं बेसिकली, मतलब कोई आपको कुछ कहेगा तो आपसे तो उन लोगों से लड़ लेंगे या फिर उनको समझा देंगे या कुछ भी करेंगे, पर चीज़ों को मैनेज करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, आपके शौक पूरे करेंगे, मज़े करेंगे, मज़े करवाएंगे, तो चीज़ें मतलब बहुत ही बैलेंस लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे आपको, और इवन आपके इन लॉज के साथ भी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी खास, सब कुछ भी होगी तो आपके हस्बैंड है वो संभाल लेंगे। सो बहुत ही मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, आप भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर भी वो एक है क्वालिटी कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो आप भी किसी से इतनी जल्दी तो पागल तो बना नहीं सकता कोई आपको, तो ओवरऑल आप बड़े मज़े में रहने वाले हो और बड़े खुश रहने वाले हो और लाइफ को बहुत इंजॉय करने वाले हो। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, गॉड ब्लेस यू। एंड आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ये है, आई एम सक्सेसफुल, थैंक यू यूनिवर्स। ये जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब करते हो आप लोग, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, और पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो मैंने बताया ही ऑफर चल रहा है, सो आप कर सकते हैं बुक। थैंक यू सो मच अगेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।